हेलो बच्चों कैसे हो आप सब उम्मीद करता हूँ कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होगा वीडियो नंबर तीस थर्टी नंबर है ये एक टॉपिक एक वीडियो वाली सीरीज में आपका स्वागत है आज पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी रूल एट नाइन एंड टेन का डिविजिबिलिटी रूल कोई भी नंबर एट से डिवाइड है नाइन से भी डिवाइड है टेन से डिवाइड है कैसे जानेंगे अगर हम उसे डिवाइड ना करें बिना किए कैसे जानेंगे मतलब सिर्फ देख कर कैसे कैसे जानेंगे मान लीजिए आपके पास कोई खाने का आइटम रखा है और आप बिना उसे खाए कैसे समझ पाएंगे खट्टा है मीठा तीखा कैसे है तो यहाँ पर कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट होने वाला है आइए देखते हैं जैसा कि इसके पहले आप सात का पढ़ चुके हो लगभग सारी चीजें उसमें का एक रूल और भी था अगर आप कमेंट करोगे ज्यादा से ज्यादा तो वही बता दूंगा लास्ट वाला नहीं तो सात में मैंने एक रूल छोड़ा है हुँ? ठीक है चलो तो आठ का डिविजिबिलिटी रूल में क्या है बच्चा कोई भी संख्या जो दी गई है उसका अंतिम का तीन अंक आपको देखना है तीन अंक जैसे ये संख्या है इसका लास्ट का तीन अंक पकड़ो क्या है भाई साहब तीन तीन छा इसका लास्ट का तीन अंक पकड़ो वन एट फोर अब अगर ये तीन अंक से जो संख्या बन रही तीन सौ छत्तीस अगर ये आठ से कट जाती पूरा पूरा तो फिर ऊपर वाली ये पूरी की पूरी संख्या आठ से डिवाइड होती है ठीक है तो तीन तीन छा को अगर आप आठ से डिवाइड करो देखो हो जाएगा आराम से आठ चौका बत्तीस घटाने पर एक आया ऊपर फिर छह तो आठ दूना सोलह यानी आपको क्या मिला भाई साहब ये पूरी तरह से डिवाइड है तो सो ये पूरी की पूरी संख्या भी आठ से पूर्णतः विभाजित होगी ठीक है इसका एक देखो आठ दूना सोलह बचेगा दो और चौबीस आठ तरीक चौबीस यानी तेईस आएगा आठ से काटने पर तो ये भी डिवाइड है इसका मतलब अगर ये डिवाइड है तो ये पूरी की पूरी संख्या भी क्या होगी एट से डिवाइड होगी नो डाउट इसमें किसी को कोई तकलीफ नहीं बढ़िया यही नियम है और कुछ भी नहीं है अब बताओ लास्ट का तीन अंक देखो फटाफट आंसर बताओ इसमें का लास्ट का तीन अंक क्या बच्चा नाइन सिक्स फोर सिक्स सिक्स फोर सिक्स सेवन थ्री फोर थ्री आठ से कौन सा नंबर डिवाइड होगा बताओ आठ नौ बहत्तर सात छिहत्तर हो जाएगा नहीं कटेगा आठ पंचे चालीस आठ छः अड़तालीस कम हो जाएगा ये हो नहीं कटेगा ये आठ पंचे चालीस नहीं कटेगा ये आठ चौक बत्तीस मतलब एक को नहीं है कहा यार है भाई यार कहाँ गड़बड़ हो रहा है मिस्टेक देखो तो को है कहा सिर्फ देखो आठ नौ बहत्तर सात छिहत्तर हो जाएगा छिहत्तर कभी कटेगा ही नहीं आठ पंचे चालीस छ हो जाएगा छ नहीं कटेगा आठ पंचे चालीस छ सड़सठ सड़, आठ चौक बत्तीस दो तेईस नहीं कटेगा इसमें कोई भी नहीं है नॉन ऑफ दिन इनमें से कोई भी संख्या एट डिवाइड नहीं है है ना कितना आसान ये वीडियो सीरीज आपको सुबह पांच बजे मिलती है एक रेगुलर जो सीरीज है बाकी इसकी सीरीज एज सीरीजेंसी में कभी भी पब्लिक कर दिया जाता रिकॉर्ड करके रहता है तो जैसे मान लीजिए किसी टाइम मुझे नहीं समय है लाइव करने का उस समय क्लास है कोई तो मैं इसका एक वीडियो पब्लिक कर देता हूँ इसलिए आप चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन करके रखना और हाँ इसकी सारी सीरीज आपको अगर लिंक चाहिए तो आप हमें टेलीग्राम पर पी स्टडी लिख के सर्च करके भी फॉलो कर लेना ज्वाइन कर लेना जिससे आपको सारे लिंक में भेज दूँ आपको अगर ना मिले ठीक है बाकी इसकी प्ले बनी है, में आपको लिंक मिल जाएगा। नहीं मिलता है तो कमेंट करना आठ से, से, से पूर्णतः विभाजित तो नहीं है कह रहा है विच फॉलोइंग दंबर्स इज नॉट फुली डिविजल बाई एट इसमें आपको सेलेक्ट करना है कि कौन सा नंबर है जो एट से फुली डिविजबल नहीं है वो आपको सेलेक्ट करना है तो देखो मेरे प्यारे इसमें क्या है ये सात छः चार इसमें देखो आठ सात दो इसमें देखो सात सात छः इसमें देखो नौ जीरो चार ठीक है अब आठ से कौन डिवाइड नहीं है समझना है यहाँ पे देखो आठ नवा बहत्तर कितना हो जाएगा

आठ में सभी समझ गए लास्ट का सिर्फ तीन अंक देखना है नौ का क्या है डिविजिबिलिटी रूल यदि किसी संख्या के अंकों का योग नौ से विभाजित है तो पूरी संख्या क्या होगी नौ से विभाजित होती है अंकों का योग जैसे तीन वाला था बिल्कुल सेम से ठीक है डिविजिबिलिटी रूल बाई नाइन जैसे कोई भी नंबर दिया गया है इनके अंकों का योग करना है चलो जोड़ डालो भैया सात छः तेरह तीन सोलह एक सत्रह अठारह उन्नीस एक बीस दो बाईस बाईस पांच सत्ताईस इनका योगफल टोटल कितना आया सत्ताईस आया इनको जोड़ डालो नौ आठ सत्रह तीन बीस छह छब्बीस छब्बीस चार तीस तीन तैतीस तीन छत्तीस इनका कितना आया छत्तीस आया अब ये बताओ नौ से डिवाइड है छत्तीस और सत्ताईस हाँ है अगर ये नौ से डिवाइड है दोनों तो इसका मतलब ये पूरी की पूरी संख्या नौ से डिवाइड होगी ये भी पूरी की पूरी संख्या नौ से डिवाइड होगी इसमें किसी को कोई तकलीफ नहीं ना कोई भी ऐसा नंबर जिनका अंकों का योग कर डालो जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया तीन पांच आठ अब ये डिवाइड है या नहीं है नौ से कैसे जानेंगे इनको जोड़ना है है अंकों का योगफल करना है। ये पांच तीन आठ और आठ सोलह डिवाइड है सॉरी नौ से ठीक है तो पूरी की पूरी संख्या नौ से डिवाइड मानी जाती है ठीक है डन करके देखो है नहीं है सोलह डिवाइड नहीं है इसका मतलब पूरी की पूरी ये संख्या भी नौ से डि नहीं है तीन सौ अठाचार भाग दे के देख लो नौ चौक छत्तीस नहीं जाएगा नौ त्रिक सत्ताइस आठ बचेगा अठासी और नौ, नौ से बच जाएगा। नहीं देख लो बताइए इसमें ट्वेंटी वन में, में। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या नौ से पूर्ता विभाजित है बताओ इसमें से कौन सी ऐसी नंबर है जो नाइन से फुली डिविजिबल है आपको सिलेक्ट करना है नाइन से डिविजिबल नंबर फुली डिविजिबल कंप्लीटली डिविजिबल फटाफट जोड़ो 5, 6, 11, सतरा, सतरा पांच छह ग्यारह एक बारह तेरह चौदह तीन सत्रह सत्रह पांच बाईस सही है ना पाँच एक 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 चार नौ और बारह बारह आठ बीस एक इक्कीस एक्कीस चार पच्चीस कह रहे कौन सी संख्या नौ से पूर्णतः विभाजित है तो ये दोनों तो गलत है नहीं है चार तीन सात एक आठ दो दस पांच पंद्रह पंद्रह और छह इक्कीस नौ छः पंद्रह पांच बीस आठ अट्ठाईस दो तीस तीस नौ उनतालीस साहब बेको नहीं है क्या यार की कहीं गड़बड़ाई गया का कह रहा कौन सी संख्या नौ से पूर्वता विभाजित है एक बार फिर से देख लो कहीं जोड़ने में गड़बड़ तो नहीं हो गया छः पाँच ग्यारह एक बारह दो चौदह तीन सत्रह एक अट्ठारह चार बाईस पाँच चार नौ इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस सही है तीन सात एक आठ दो दस पाँच पंद्रह पंद्रह दुई सत्रह चार इक्कीस भैया इसमें कोई भी नौ से डिवाइड नहीं है करके देख लो कोई भी नौ से डिवाइड नहीं क्योंकि इनके अंकों का योगफल कभी भी नौ से डिवाइड नहीं हो रहा है किसी में ठीक है तो नौ छः पंद्रह पाँच बीस आठ अट्ठाइस दो तीस नौ उनतालीस ठीक है कोई भी नहीं इसमें नॉन ऑफ दीज जरूरी नहीं कि कोई सही ही हो बट अगर एग्जाम में ऐसा आ गया तो सबको नंबर मिलेगा फिर वो क्वेश्चन आयोग के द्वारा गलत माना जाता है ऐसा पेपर में नहीं आएगा दस का विभाजता नियम बिल्कुल हलुआ है एकदम हलुआ है समझ रहे हो कोई भी संख्या जिसका लास्ट का अंक जीरो हो बस सिर्फ और सिर्फ जीरो ही चाहिए इसकी जिंदगी जीने के लिए समझ रहे हो ओनली जीरो हो वो संख्या क्या होगी टेंथ डिवाइड होगी लास्ट में जीरो होना चाहिए बस संख्या शुरू में कैसे भी है भाज अभाज सा अभाज ये क्या है दफ डिवाइड है नहीं है कौन कहता नहीं है हो गई डिवाइड ठीक है जैसे संख्या लिखा वन फोर थ्री सेवन फाइव सेवन नाइन ये क्या टेन से डिवाइड है ये टेन से डिवाइड है नहीं है कौन कहता नहीं है जीरो लगा दो हो गया तो कोई भी नंबर जिसमें लास्ट में क्या हो बच्चा लास्ट में अगर उसमें जीरो है तो वो टेंथ से डिवाइड होगी समझ गए तो लास्ट में किस में किस में देखा जाता है लास्ट में देखा जाता है किसमें किसमें भाई साहब लास्ट में देखा जाता है चार का विभाजिता नियम में आठ का विभाजता नियम में दस का विभाजता नियम में और पांच में यानी चार ऐसी गिनती आठ के डिविजिबिलिटी रूल में लास्ट के तीन अंक आठ से डिवाइड होना चाहिए और दस के डिविजिबिलिटी रूल में बस जीरो होना ही काफी है ठीक है तो इस तरीके से ये विभाजिता नियम आपका पूरा खत्म हुआ जो काम काम का था मैंने सब बता दिया बाकी वन वीडियो वन टॉपिक में जवाब दो फटाफट कौन सा सही होगा बताइए ग्यारह का डिविजिबिलिटी रूल आप यहां पे देख लो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है समझ लेना इसको खुद से नहीं समझ में आएगा कमेंट करना इसको मैं पढ़ाया हूँ ऑलरेडी अलग से मैं वीडियो दे दूंगा ठीक है और जो बच्चे पढ़ाई को लेकर के सीरियस हैं वो नीचे दिए गए नंबर पे ज्वाइन टू जीरो टू फोर मैसेज करें और आप हमारी रेगुलर बैच ज्वाइन कर लें अगर आप सीरियस है पढ़ाई को लेकर और बाकी वैसे फ्री पढ़ना चाहते हो तो यूट्यूब में सब्सक्राइब करो डेली मैं आपको दो चार वीडियो देता रहता हूँ आप पढ़ते रहो सीखते रहो आगे बढ़ते रहो और वीडियो को लाइक करना आपकी पारंपरिक अधिकार और जिम्मेदारी भी है तो करें जरूर